दिन भर के प्रायोजक हैं होटल रॉयल रेजिडेंसी और फॉरेस्ट क्लब। साईं प्रणाम, सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। चैत्र नवरात्रि एवं नौ संवत्सर पर नारी शक्ति संवाद फलाहार का कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की मौजूदगी में सकुशल हुआ सम्पन्न। प्रधान पुजारी के नेतृत्व में चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन गुरु गोरखनाथ मंदिर में हुई कलश की स्थापना। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा पर्वों और त्योहारों की दृष्टिगत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ईद को लेकर बाजार हुए गुलजार, ड्राई फ्रूट और सेवइयों की खूब हो रही खरीदारी। तेज हवा और तपिस भरी गर्मी से अभी राहत नहीं, घरों से निकलने से पूर्व करें यह उपाय। ईद की नमाज के दृष्टिगत यातायात पुलिस ने मस्जिदों और ईदगाहों पर जाने वाले मार्गों पर किया रूट डायवर्जन। भीषण गर्मी और तपिस के बीच परिवहन विभाग की बसों से यात्रा करने वाले यात्रियों की सुविधाओं को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक ने की बैठक। विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर होम्योपैथिक के जनक डॉक्टर हैनीमैन को किया गया याद। विभिन्न समस्याओं को लेकर एबीवीपी के छात्र नेताओं ने कुलपति से मुलाकात कर समस्याओं के निस्तारण की मांग। और आग में अपनी फसलों को गवा चुके किसानों को उचित मुआवजा मिले, इसको लेकर किसान ऐसे करे आवेदन। मंगलवार